भारत और चीन के तनाव वाले माहौल के बीच Xiaomi ने भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन Redmi 9i लॉन्च कर दिया है। ये Xiaomi का Redmi 9 सीरीज का लेटेस्ट फोन है। Redmi 9i एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। इसके मेन फीचर्स में नॉच डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, सिंगल रियर कैमरा और ऑक्टा कोर मीडिया टेक प्रोसेसर मौजूद है। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। बात करें कैमरे की तो Redmi 9i में बैक पर 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ मौजूद है। फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अब आते हैं स्पेसिफिकेशंस पर। Redmi 9i एक ड्यूअल सिम फोन है जो एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। फोन में 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 4GB की रैम के साथ 64GB और 128GB का स्टोरेज ऑप्शन है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। एक फोन को चलाने के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी बैटरी लाइफ। Redmi 9i में 5000mAh की बैटरी है जो 10W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वही बात करें इस स्मार्टफोन की कीमत की तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 8,299 रुपए है। वहीं 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाले Redmi 9i की कीमत 9,299 रुपए रखी गई है। ये फोन मिडनाइट ब्लैक, सी ब्लू और नेचर ग्रीन कलर ऑप्शन में मिलेगा। Redmi 9i की सेल 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे Flipkart, MI.com और MI Home Store के जरिए शुरू होगी। फोन को Xiaomi के ऑफलाइन रिटेलर पार्टनर के जरिए भी खरीदा जा सकता है।